वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आकांक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि होली आने वाली है तो हम जा रहे हैं होली सेलिब्रेट करने, और हम लोग जा रहे हैं देहरादून और वहाँ पर हम होली सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट निकले हैं दिल्ली से और सुबह के 6 बज रहे हैं। देखिए अक्षु की क्या हालत हो रही है, और बिल्कुल सोते से उठ गई है, बस वो नींद आ रही है उसको बहुत। तो चलिए, जो भी हम बीच में रुकेंगे सारी जगह एंजॉय करेंगे, आप लोग हमारे साथ इस सफ़र में हमारे साथ चलिए। तो चलिए, क्षितिज भी सबको होली विश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए रुके थे, रिफ्रेशमेंट के लिए रुके थे, और ये नमस्ते इंडिया का कोई क्राफ्ट मेला है तो वो यहाँ पे लगा हुआ था। और यहाँ पे हम हल्दीराम में जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और ये हल्दीराम के ऊपर से मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की वहाँ से। और अब अगर पॉसिबल हुआ, थोड़ा सा टाइम हुआ, तो हम नीचे भी जा पाएंगे, देखेंगे, वहाँ से मैं आपको पूरा शो करूँगी ये। तो देखिए किस तरीके से मटके बना रहा है, छोटे छोटे मटके बना रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं ये मटके, और बहुत ही अच्छा लुक है। और ये खुर्जा की पोल्ट्री भी है यहाँ पे, देखिए कितना अच्छा लुक क्रिएट किया है, एकदम विलेज लुक क्रिएट किया है। ये लालटेन लटकी हुई हैं, और जो वेंटिलेटर है कितने अच्छे हैं, यहाँ पर चरखा भी काट रही हैं कम्मा जी। देखिए किस तरीके से चरखा काटा जाता है, हाथ में देखिए वो रुई है, और ये देखिए ये कुछ कार्ड वगैरह है आई थिंक सो, तो वो है। और जो आर्ट हो रही है वॉल पे, आप देखिए कितनी अच्छी ये आर्ट हो रही है, एकदम क्लियर है, कितने अच्छे से किया है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये व्यू। और यहाँ पर आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, तो ये गर्मा गर्म गोल गोल पूरियाँ आ चुकी हैं, और पूरियाँ बहुत अच्छी हैं। और हम लोगों ने ये आलू पूरी ऑर्डर किया है, इसमें मिर्ची का अचार है, आलू की सब्ज़ी है, मूंग दाल हलवा और रायता है। और ये देखिए कितना डिलीशियस, कितना यमी लग रहा है अचार, देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आ चुका है हमारा ये डोसा, तो ये सिंपल मसाला डोसा है गर्मा गर्म सांभर के साथ, देखिए आलू मसाला डोसा। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए अक्षु पूरियों को खा रही है, कैसे खा रही है हमारी अक्षु पूरियाँ, देखिए आप गोल गोल पूरी अक्षु कैसे खा रही है उसको, बस ये देखिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पर ये देखिए कितने अच्छे ऑफर्स लगे हुए हैं हल्दीराम के, कितना अच्छे से इन लोगों ने गिफ्ट रैप किए हुए हैं, होली के गिफ्ट्स हैं वगैरह, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है गिफ्ट देने के लिए। और यहाँ पर हम आ चुके हैं ये नमस्ते इंडिया का क्राफ्ट मेला देखने, बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से, तो मेरे से रुका नहीं गया तो मुझे आना ही पड़ा देखने। और ये स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, सारा हैंडीक्राफ्ट वर्क है। और ये देखिए वाटर मिल है शायद, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हैंड क्राफ्टेड है, तो उस टाइप का है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग लुक दे रहा है ये पूरी जगह को, और यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है ये, और काफ़ी अच्छा लगा इसे देखकर। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जब मैं अपने विलेज जाती थी तो वहाँ पर देखती थी, अब तो विलेजेस में भी नहीं देखने को मिलते हैं ये सब, और ट्यूबवेल्स ने इनकी जगह ले ली है, तो अब ये वो भी नहीं दिखने को मिलते हैं। यहाँ देख के काफ़ी अच्छा लगा,
और ये देखिए अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए अक्षु ऑलरेडी जाके खड़ी हो गई है, उसको वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, पोट्री वर्क हो रहा है जो। और ये कुल्हड़ बना रहे हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे कुल्हड़ बना के रखे हैं इन्होंने। और कितना मेहनत लगती है इस काम में, एक पर्टिकुलरली रिवॉल्व करना उसको उतनी स्पीड से, कितना मतलब अच्छा लग रहा है, कितना मेहनत होती है। और ये देखिए चरखा काटा जा रहा है यहाँ पर, और मैं भी यहाँ पहुँच गई हूँ थोड़ा सा चरखा काटने के लिए। और अब हम लोग अंदर गए हैं, तो अंदर हम लोगों ने ये हैंडक्राफ्टेड ये हुक्का वगैरह ये रखे हुए हैं, और काफ़ी सारे हैंडक्राफ्टेड हैं, सारी चीज़ें हैंडमेड सारी चीज़ें हैं। तो ये हैं क्लच पर्स वगैरह हैं, ये भी हैंडमेड हैं, और ये क्लचेस हैं यहाँ पर, ये भी हैंडमेड है। और देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर सारा कुछ। हम लोग थोड़ा सा जल्दी में देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है। तो ये देखिए ये सारे स्टैचूज़ वगैरह हैं, वो भी हैंडमेड हैं। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून के पास में ही, तो अब देहरादून आने वाला है। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है, शुरू होते ही कितना अच्छा ग्रीन है, हिल्स स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये व्यू, और काफ़ी अच्छा लगता है। और अब हम लोग सिटी में पहुंच चुके हैं, तो चलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा आपके साथ नेक्स्ट डे का भी शेयर कर देती हूँ। Let you lay for me.